ऑल राइट, स्वागत है क्लास में। ओके, हेलो एवरीवन, हाय पढ़ना, हाय प्रतीक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बढ़िया। ओ गुड इवनिंग प्रतीक, ठीक। मेरी स्क्रीन छोटी आ रही है क्या? ये मेरी स्क्रीन, अगर लैपटॉप पे जो देख रहा है, चलो ठीक है, देखा जाए। ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक। सो ऐसा है कि स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने जो थ्योरीज देखी थी, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी थी, वो हमने जाना था कि बाकी जो दोनों अपनी थ्योरीज रही है, मार्क्सियन और मालथूसियन, राइट, बाकी जो वो अपनी थ्योरीज रही हैं उनसे काफी अलग थी। एक सिस्टमैटिक तरीके से सोसाइटीज का डेवलपमेंट बताने की कोशिश करी गई है, और इन्होंने जो अपनी स्टडी में डिटेलिंग करी है वो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज को लेके समझाया है। तो हम लोग ने देखा था किस तरीके से नॉटेस्टीन और इन्होंने, अलग अलग स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को डेवलप किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, मेरा ये मतलब नहीं है कि मात्र 5-6 साल, ऐसा नहीं है, 30 साल 50 साल, इतना पीरियड लगा है इस पर्टिकुलर थ्योरी को डेवलप होने में। अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट किया, कंट्रीब्यूट किया, और इसमें डेटा का इस्तेमाल किया गया। डेटा की अगर बात करी जाए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, 100 से 150 सालों तक के जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे खींचा गया है, लिया गया है। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि एक डेमोग्राफिक कर्व बनाया गया था। कल के लेक्चर में हम लोग ने डेमोग्राफिक कर्व को देखा हुआ था। उस डेमोग्राफिक कर्व में हमने जाना था कि किस तरीके से, अगर मैं यहाँ आप लोग को बताऊं, यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कल जो हम लोग ने कर्व देखा था, कुछ इस तरीके का था, जहां पे हम लोग ने एक तरफ पॉपुलेशन देखी थी और एक तरफ टाइम था। इसमें हम लोग ने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, वो फ्लक्चुएट हो रहे थे। फिर हमने देखा था कि डेथ रेट ज्यादा जल्दी पहले कम हो जाता है और बर्थ रेट बाद में कम होता है। इसी हिसाब से हमने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दिया था, स्टेज 1 बोला था, इसको स्टेज 2 बोला था, इसको स्टेज 3 बोला था। आगे जाके मैंने आप लोग को बताया था, एक सैक्स नाम के ज्योग्राफर थे, उन्होंने जो सेकंड स्टेज है इसको भी बाइफरकेट कर दिया था। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 बन गई थी अपनी। अलग अलग जो फीचर्स हैं, अलग अलग नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने आप लोग को कल बता दिए थे। इस ग्राफ में मैंने एक और चीज प्लॉट करी थी, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो टोटल पॉपुलेशन बता दिया था, ग्रोथ रेट मैंने आप लोग को बताया था, अगर ग्रोथ रेट हमने आप लोग को बताया था किस तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा, फिर आगे जाके धीरे धीरे कम होता जाएगा ग्रोथ रेट, राइट, ये आगे जाके कम होता जाएगा। सो ये डेमोग्राफिक कर्व आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस थ्योरी का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे,
ठीक है, आज इस थ्योरी को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन होगा आज इस थ्योरी का। ओके ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ऑल गुड, स्टार्ट किया जाए। कुछ पूछना हो किसी को, बिल्कुल पूछ लीजिएगा, भेजिएगा। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ओके ठीक, तो आज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का इवैल्यूएशन, ये थ्योरी क्या है, कैसी है, ये सब सिस्टम हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें इवैल्यूएशन की, तो दोस्तों ये इसको इवैल्यूएट करने का ये मतलब है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को समझने होते हैं, कि ये कोई भी थ्योरी को इवैल्यूएट करने का यही मतलब ही होता है। उसके आपको बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसका देखा जाए तो क्या ये साइंटिफिक थ्योरी थी? बिल्कुल थी, लेकिन इसके पहले वाले साइंटिफिक थ्योरी हम लोग उसको नहीं कह सकते हैं। तो यस, इट वॉज अ साइंटिफिक थ्योरी, इट वॉज साइंटिफिक थ्योरी, क्योंकि डेटा वगैरह का इस्तेमाल किया था ना, जो ज्योग्राफर्स थे, डेमोग्राफर्स थे, इन्होंने डेटा वगैरह का इस्तेमाल किया था इस चीज को समझाने के लिए, जो अभी तक इससे पहले नहीं था, अभी तक इससे पहले हमें वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक काफी अच्छी बात थी। इट वॉज स्टैटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल थ्योरी। स्टैटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल थ्योरी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करके उसको एनालाइज किया गया। स्टैटिस्टिकल का मतलब यही होता है, एम्पेरिकल मतलब होता है आपके पास कुछ डेटा आया, आपने उससे कोई पॉइंट कंसिडर किया और उस पॉइंट को आपने किसी और पे इंटरपोलेट कर दिया। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के डेटा को कंसिडर किया, इसके बाद पूरे वर्ल्ड पे उसको इंटरपोलेट कर दिया कि हर कंट्री इस फेज से गुजरेगी, ऐसा ऐसा स्टेज होंगे उसके, राइट? तो ये जो स्टेजेस है, इन्होंने कहा हर कंट्री दुनिया की इसी से गुजरती है। ठीक, सो इट वॉज अ साइंटिफिक थ्योरी, इट वॉज अ स्टैटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल थ्योरी। It is based on actual observation. लेकिन जो इससे पहले थ्योरी अभी तक रही उसमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं थी, राइट? बाय एंड लार्ज इट वॉज नॉट नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट, However, the theory is more descriptive, right? However, the theory is more descriptive. Descriptive ज्यादा हो गई, describe ज्यादा कर रही है हर एक स्टेज को। It does not explain the reasons for transition. It does not explain the reasons for transition. इन्होंने तो ये बताया कि स्टेज वन है, स्टेज टू है, स्टेज थ्री है, लेकिन इन्होंने इसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए। इस चीज को समझिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्यों हुआ यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में, ये क्यों ट्रांजिशन हुआ, इसका इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक, ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, ये तो आप इसी में आगे जाके अपना जो स्पेंसर और ड्यूमोंट वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ जोड़ सकते हो। ये तो जो बाद में सोशल थ्योरीज आई उन्होंने एक्सप्लेन किया, बाद में जो सोशल थ्योरीज आई उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया ना, कि सोशल कैपिलैरिटी जैसी कोई चीज होती है, फिर अर्बन लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है इसलिए पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा,
तो जो हम लोग ने थ्योरीज पढ़ी थी वो आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉडल इज बेस्ड ऑन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस। द मॉडल इज बेस्ड ऑन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस। द मॉडल इज बेस्ड ऑन यूरोपियन एक्सपीरियंसेस। The model is based on European experiences. In reality, the developing countries had to enforce the demographic transition. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इन्होंने जो स्टडी करी वो यूरोपियन कंट्रीज के एक्सपीरियंस पर बेस्ड थी, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एनफोर्स करना पड़ा, वहां की सरकारों को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एनफोर्स करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में हम लोग जानते हैं कितने बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो वहां की सरकार ने एक टाइम पे फैसला लिया कि केवल और केवल हर परिवार में बस एक ही बच्चा होगा। तो ये सरकार की तरफ से एनफोर्स किया गया था। ये एनफोर्समेंट है एक तरीके का। अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके से इस चीज को एनफोर्स किया। किसी ने कोएर्सिव मेथड से किया, मतलब किसी ने जबरदस्ती किया, किसी ने अपनी पॉलिसीज को अकोमोडेटिव बनाया। अकोमोडेटिव मतलब कि लॉन्ग टर्म विजन किया कि हाँ हमें धीरे 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 इस चीज को कम करना है पॉपुलेशन को। लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या किया, अपना हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, अपना अवेयरनेस जो है, ठीक है, सेक्स रिलेटेड अवेयरनेस उसको सामने रखा, फैमिली प्लानिंग को सामने रखा, जैसे अपने इंडिया ने किया। अपने इंडिया ने लॉन्ग टर्म विजन लेके चला पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो यही यहाँ पे लाइन कह रहा है कि यूरोपियन एक्सपीरियंसेस पे ये बेस्ड था, जो स्टेजेस इन्होंने बांटी हुई है वहां के लिए ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एनफोर्स कराने पड़े, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्टेज वन में कोई अभी कंट्री है वो डायरेक्ट स्टेज थ्री में आ सकती है, जरूरी नहीं है कि स्टेज टू में भी वो जाए। फिर स्टेज टू में जो कंट्री है वो स्टेज वन में वापस भी आ सकती है, वापस भी आ सकती है, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वापस भी आ सकती है, ठीक है। सो ये वो दूसरा पॉइंट हो गया। और लिखिए, अभी हम बताते हैं ये वाला पॉइंट। क्या हो गया, ओके। द मॉडल इग्नोर्स द रोल ऑफ माइग्रेशन। द मॉडल इग्नोर्स द रोल ऑफ माइग्रेशन। आपने यहां पे कहीं नहीं माइग्रेशन का जिक्र सुना होगा, आपने यहां पे कहीं भी माइग्रेशन का जिक्र नहीं सुना होगा, लेकिन इन रियलिटी माइग्रेशन भी होता है लोगों का, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको यहां इन्होंने इग्नोर किया। तो हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ,
पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अलोंग विद माइग्रेशन. तो दिस फैक्टर हैज बीन टोटली इग्नोर्ड अंडर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. तो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, यही बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है. एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ देखोगे तो उसमें माइग्रेशन भी काउंट होता है, लेकिन ये चीज इन्होंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दी थी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अभी मैंने समझाया था, अभी द मॉडल अज्यूम्स अ वन वे प्रोग्रेसिव चेंजेस टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन, वन वे प्रोग्रेसिव चेंजेस टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन. इसका क्या मतलब है, इसका क्या कि यहां पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो इनकी ये थ्योरी है ये वन वे है. कैसे, एक स्टेज वन आएगी, स्टेज टू आएगा, स्टेज थ्री आएगा, स्टेज फोर आएगा. तो ये क्या है, अगर आप लोग देखो तो इस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है ना, इस तरीके से. सो ये क्या है, ये वन वे प्रोग्रेसिव चेंज है. द मॉडल अज्यूम्स अ वन वे प्रोग्रेसिव चेंज टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन. ऐसी कोई भी थ्योरी अगर होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी. तो इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, याद रखिएगा ये चीज. ये सबको समझ में आया, डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये एक ही तरफ बस है, इशारा कर रही है कि ऐसे है तो बस ऐसे ही प्रोसेस हुई है, पीछे रिवर्स नहीं हो सकती है, जो प्रोसेस हुई है वो ऐसे ही हुई है, ये रिवर्स नहीं हो सकती है. तो इन तरीके की जो थ्योरीज होती हैं उनको डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी बोला जाता है, ऐसी जो थ्योरीज होती हैं. सो डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल. बट इन रियलिटी There are examples of mortality reversals because of wars, because of pandemics like COVID. स्पेनिश फ्लू सब कुछ लिख सकते हो, और वेयर गवर्नमेंट हैज हेसेंड मतलब जल्दी करना, हैज हेसेंड और रिवर्स देयर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. अभी हम समझा रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसमें लिख लो इंडिया एंड चाइना. इसका ये मतलब है, जो इन्होंने बोला कि ये वन वे है, ये जो प्रोग्रेस हो रहा है ये वन वे है, डिटर्मिनिस्टिक है. तो स्टेबलाइजेशन की अगर तरफ चलना है हमें वन वे चलना होगा, स्टेज बाय स्टेज चलना होगा, मतलब पहले स्टेज वन आएगा, फिर स्टेज टू आएगा, स्टेज थ्री आएगा, स्टेज फोर आएगा, ऐसे सीक्वेंस में चलना होगा. लेकिन रियलिटी में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रियलिटी देखें तो जरूरी नहीं है कि डेथ रेट और बर्थ रेट ऐसे इतना ज्यादा डिफरेंस आए. डिफरेंस तो ऑब्वियसली आएगा, बट एक टाइम पे डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हो सकता है. ठीक है, जैसे मॉर्टैलिटी रिवर्सल की बात करिए, इसमें वॉर हो गए, पेंडेमिक्स हो गए, आज के टाइम पे भी देख रहे हो तो डेथ रेट कई कंट्रीज का बढ़ गया है, या
ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम हो। हाँ एग्जैक्टली, गवर्नमेंट के द्वारा कदम कुछ ऐसे उठाए गए हो कि उन्होंने स्टेज टू स्किप कर दिया। पहले स्टेज वन पे थे मान लीजिए, स्टेज टू स्किप कर दिया, फिर स्टेज थ्री पे आ गए, या फिर स्टेज थ्री पे थे या स्टेज फोर पे थे, स्टेज टू पे आ गए। ये भी गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट के जो फैसले थे, उनकी पॉलिसीज थी, प्रोग्राम्स थे, एम्बिशंस थे, उसको काउंटर नहीं किया। वॉर, पेंडेमिक्स, इसको काउंटर नहीं किया इन्होंने। माइग्रेशन को काउंटर नहीं किया। ये सब कुछ चीजें हैं जो इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में गैप, लूप होल्स क्रिएट करती हैं, लैक्यूना क्रिएट करती हैं। इसका एक और एग्जाम्पल समझिए, इसका एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे रशिया था, रशिया जैसे फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था ये, तो इससे रिलेटेड, इससे जुड़ी कई कंट्रीज थी, ढेर सारी कंट्रीज थी। तो वो उस टाइम पे डेवलप्ड थी, डेवलप्ड इन द सेंस वो स्टेज फोर में चल रही थी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, टूटता है यूएसएसआर, यूएसएसआर टूटता है, तो इनकी हेल्थ वगैरह की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। बड़े पैमाने पे अब सब फ्री हो गए ना, सारी कंट्रीज फ्री हो गई, ढेर सारी कंट्रीज यूएसएसआर से फ्री हो गई। अब सबको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, सबको सब कुछ देखना था नए तरीके से, तो ये वापस से स्टेज टू पे आ गए थे ये लोग। तो देखा, ये रिवर्सल हुआ। जो स्टेज हम लोग कह रहे थे कि डिटर्मिनिस्टिक है, वन वे चलेगी, तो पीछे भी आ सकती है, पीछे भी आ सकती है। ठीक, ऐसे ही आप इराक का सोच सकते हो। इराक का एक टाइम पे, इराक बहुत जबरदस्त देश था, ठीक है, स्टेज थ्री स्टेज फोर के बीच में था, बट आज के टाइम पे इराक की कंडीशन देखिए क्या है। तो ये भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से पीछे आ गया है। ओके, हमने बोला, ओके, हमने ये बोला कि ये जो थ्योरी है वो बताती है कि हमें एक तरफ चलना है, तभी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी हमारी, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। मतलब पहले स्टेज वन, फिर स्टेज टू, फिर स्टेज थ्री, फिर स्टेज फोर, इस सीक्वेंस में हमें चलना है। कोई भी थ्योरी अगर सीक्वेंस डिक्टेट कराने लग जाए कि इसी पैटर्न पे चलना है, तो डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है इसमें। लेकिन इन रियलिटी अगर हम लोग देखें, तो कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि इसमें फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेथ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इन रियलिटी। कैसे? वॉर हो जाए, पेंडेमिक हो जाए, जैसे कोविड हो गया, तो हमारा जो डेथ रेट है वो इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखा है कि बस नीचे ही जाता जाएगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है डेथ रेट नीचे ही जाए, बढ़ भी सकता है। फिर कई सरकारों ने अलग अलग अपने फैसले लिए, जिसके कारण वो एक एक स्टेज को स्किप भी कर सकती हैं। जैसे इंडिया और चाइना, मैंने बताया, जैसे एक टाइम पे कोई S2 पे था, सेकेंड स्टेज पे था, आज वो फोर्थ स्टेज पे आ गया है। क्यों? क्योंकि उसने S3 वाली स्किप कर दी। और क्यों स्किप कर दी? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन थी, उसने वहां की सरकार ने ऑलरेडी उसको इम्पोज कर दिया, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल। इंडिया ने लॉन्ग टर्म विजन कर रखा है, इंडिया ने जबरदस्ती कोएर्सिव मेथड्स नहीं अप्लाई करे हैं। इसके बाद मैंने बताया इसका एग्जाम्पल, जैसे यूएसएसआर एक था, यूएसएसआर के अंडर में रशिया था और ढेर सारी कंट्रीज आती थी। जब इसका विघटन हुआ, ये टूटा यूएसएसआर 90s में, तो इसके बाद यहाँ पे जो कंट्रीज थी, उनको अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, एडुकेशन देखना था, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज देखने थे। तो सब ढेर सारी कंट्रीज जो आजाद हुई, वो पहले स्टेज फोर में थी, लेकिन अब वो अंडर डेवलप्ड हो गई, स्टेज टू में आ गई, अंडर डेवलप्ड हो गई। तो क्या है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टेज फोर से स्टेज टू पे ये वापस भी पलट सकता है, लेकिन इस थ्योरी ने ये वापस पलटने की प्रक्रिया को नहीं कंसिडर किया था। ठीक है प्रतीक, इतना बताया। ओके ठीक है। सो ये जो थ्योरी थी, इस तरीके से होती है समाप्त। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इंडियन पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं।
हम लोग इंडियन पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज, फ्रेश पेज पे समझिए, पेपर टू, पेपर टू, इंडिया पॉपुलेशन। अब ये समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स मैं लिखा रहा हूं आप लोगों को, वो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कुछ फैक्ट्स। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की। आज के टाइम पे बात करें, टुडे अराउंड 1.3 बिलियन। ये तो सेंसस के अकॉर्डिंग है ना, 1.2। नेक्स्ट, 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये सब आप लोग इस्तेमाल करोगे अपने आंसर में, चाहे जीएस मेंस के आंसर लिख रहे हो चाहे ऑप्शनल के। 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। हाउ मच ऑफ लैंड, 2.4% ऑफ लैंड, वर्ल्ड्स लैंड इंडिया के पास है 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी, 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हम लोग ने, अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्टिंग में हमने आप लोग को पढ़ाया था साउथ एशिया। साउथ एशिया इज अ मेजर पॉपुलेशन पॉकेट, इज अ मेजर पॉपुलेशन पॉकेट, ये इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें कई कंट्रीज आई थी, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, राइट। और साउथ एशिया में अगर बात करी जाए तो ये जो ये कंट्रीज हैं, तो साइजेबल पॉपुलेशन है, साइजेबल पॉपुलेशन अराउंड 20-23% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इन कंट्रीज में ही निवास करती है। इसके बाद इंडिया के दो डेटा जरा लिख लीजिए, इंडिया ग्रोथ रेट पैटर्न, दो डेटा लिख लो। ग्रोथ रेट पैटर्न अगर नापना है तो सेंसस बोलता है कि आप AEGR का इस्तेमाल कर सकते हो, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। दूसरा है डेकेडल ग्रोथ रेट, 10 सालों में डेकेडल ग्रोथ रेट कितना ग्रोथ रेट हो रहा है। तो डेकेडल ग्रोथ रेट इंडिया का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इट इज 17.64%, ये डेकेडल ग्रोथ रेट है। और एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है इंडिया का 1.64%, 1.64%। जब लिख लेना बताना। डेकेडल मतलब है 10 सालों में ग्रोथ रेट कितनी रही, एनुअल मतलब हर साल, डेकेडल मतलब 10 साल। जैसे डेटा नहीं लेते हैं सेंसस का 2001 से 2011, तो डेकेडल है ऐसे। ओके, अब लिखिए ट्रेंड्स एंड फेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेंड्स एंड फेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसको शुरू करते हैं। तो इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, एक होता है टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्पोरल मतलब समय के साथ टाइम के साथ वेरिएशन, दूसरा है
स्पेशियल वेरिएशन, स्पेशियल वेरिएशन मतलब स्पेस के साथ, लोकेशन के साथ, स्पेस के साथ वेरिएशन या फिर लोकेशन के साथ वेरिएशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्पोरल वेरिएशन, समय के साथ कैसा यहाँ पे अपनी जनसंख्या चेंज हुई है। तो क्या करते हैं, इसको पहले आप लोग 1, 2, 3, 4 करके लिख लो, इसके बाद फिर हम समझाएं। 1, 2, 3, 4 पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। भाई हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, टाइम अगर बात करें तो 1901 से पढ़ेंगे। 1901 से 1921 का जो पीरियड है वो माना जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। नेक्स्ट पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ 1921 से 1951। नेक्स्ट पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, ये टाइम पीरियड है 1951 से 1981। उसके बाद क्या हुआ, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रहा, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ रहा विद डेफिनेट साइंस ऑफ, विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। अब मतलब जो रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का वो धीमा पड़ रहा है, उसके हमें साइंस दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो अब साइड हेडिंग मारिए पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ओके, अब इसको ध्यान से समझिए, इस फेज में हो क्या रहा है। ये जो टाइम पीरियड है देखिए क्या है, 1901 से 1921। आई थिंक आप लोग ये चीज समझ सकते हो, इस टाइम पे जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन थी बहुत ही डुंडल कर रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। बड़े पैमाने पे बर्थ रेट भी हाई था, बड़े पैमाने पे डेथ रेट भी हाई था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे इस टाइम पे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रहेगी वो कम रहेगी। यही तो कल हम लोग ने बात करी थी अपने जो डिस्कशन में, हम लोग ने यही तो बात करी थी। सो बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट भी हाई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है काफी कम रहेगा। और एक टाइम ऐसा आया था 1921, वो टाइम पीरियड बोला जाता है जब हमने आप लोग को बताया था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज करी गई थी, वो कितनी थी, -0.31%। इसीलिए इसको हम लोग ने क्या बोला था, डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। क्योंकि इसके बाद से फिर बढ़ा ही है कंटिन्यू, ये जो नेगेटिव इसमें हो गया था फिर तो आगे बढ़ा ही बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे डेथ रेट इतना ज्यादा क्यों उस टाइम पे रहा, डेथ रेट आपको पता होना चाहिए, अलग अलग बीमारियां, इन्फ्लुएंजा, स्पैनिश फ्लू का भी जिक्र करोगे आप लोग, बड़े पैमाने पे लोग इससे मरे, स्मॉल पॉक्स हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रखा है, किसी को प्लेग हो रखा है, कॉलरा हो रखा है। इसके बाद यहीं पे इस टाइम पे फूड की शॉर्टेजेस रहती थी, फूड शॉर्टेजेस, हंगर, पावर्टी बड़े पैमाने पे। इसी के बाद ये टाइम पीरियड अगर आप लोग देखोगे तो यहीं पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट
जिसमें बड़े पैमाने पे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया और जिनकी जिनके जो दे लॉस देयर लाइफ, ठीक है, जिनकी जिंदगी समाप्त हो गई। तो बड़े पैमाने पे इंडियन सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बिल्कुल अपर्णा, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसके बाद ये ठीक है, इतना आई थिंक पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, अब पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ समझते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट सेकंड वाला, सेकंड वाला पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, ये है 1921 से 1951। इसमें क्या ऐसा हुआ दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखिए लिखा है स्टडी ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ मतलब इस टाइम पे पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है, तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट इन जनरल, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ कंडीशंस, जनरल हेल्थ कंडीशन यहाँ पे सुधर रही है, सुधार देखने को मिल रहा है इस टाइम पीरियड में। हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे जो बर्थ रेट है वो तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन डेथ रेट, बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, लेकिन जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हाई है लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया है, इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो गया है। अभी इससे क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक भारत का पार्ट है जहां पे सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पे फेमाइन है, ड्रॉट है, फेमाइन है, ड्रॉट है, वहां हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टडी ग्रोथ है, ये जो पर्टिकुलर स्टडी ग्रोथ हमें अचीव मिल रही है, ये मिल रही है, ये हमें डेथ रेट के गिरने के कारण मिल रही है, इसीलिए इस तरीके की ग्रोथ को बोला जाता है मॉर्टैलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, मॉर्टैलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, मॉर्टैलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ है क्योंकि हम लोग ने डेथ रेट कम कर दिया ना, डेथ रेट कम कर दिया। और 1921 में ही भारत ने एंट्री मार ली थी ऑफिशियली सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो अभी थ्योरी पढ़ी थी ना उसी के सेकेंड स्टेज में। उन्नीस में भारत ने एंट्री मार ली थी सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नेक्स्ट थर्ड पीरियड ऑफ रेपिड हाई ग्रोथ, थर्ड पीरियड ऑफ रेपिड हाई ग्रोथ, ये है 1951 से 81 का टाइम पीरियड। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान रखिए, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
हाँ, अब ये वाला पहुंच गए हम लोग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस टाइम पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लोगों की जो एज है, जिस एज तक वो लोग सरवाइव करते हैं, लॉन्गेविटी लॉन्गेटिविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट। जो हमारा डेथ रेट था वो काफी कम हो गया इस टाइम पे। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, सरकार ने भी यहाँ काफी इनिशिएटिव्स लिए अपनी तरीके अपने तरफ से। अब ये चीज समझिए, सरकार ने भी यहाँ इंटरवेंशन किया, सरकार ने भी इंटरवेंशन किया। तो यहाँ पे बेसिकली बर्थ रेट हाई रहा, हाई रहा, और डेथ रेट तो कम हो ही रहा था, डेथ रेट तो कम हो ही रहा था। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो हाई बर्थ रेट ने खींचा, इसीलिए इसको इस बार क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। इस बार बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट तो गिर रहा था पहले भी, वही पेस से गिरता रहा, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट काफी ज्यादा रहा। तो जो गैप आया बड़ा वाला वो बर्थ रेट ऊपर रहा, डेथ रेट तो नीचे था ही, इसके बीच में गैप बहुत वाइड हो गया इस टाइम पे, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इसी टाइम पे सरकार ने, आपने सुना होगा, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, ध्यान रखिए, जो इमरजेंसी लगी ना, ये टाइम पीरियड देखो, इस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के टाइम पे तो फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया था सरकार द्वारा कि हम जबरदस्ती नसबंदी करा देंगे सबकी, और पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी। तो इस पे लोग बहुत ज्यादा आक्रोश उनमें आ गया कि ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए, जो कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन वाली बात थी। तो द पीपल रिबेल्ड, किस तरीके से रिबेल्ड किया, बाय प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन, द पीपल रिबेल्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लालू प्रसाद यादव, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लालू प्रसाद यादव, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब इसी फेज में। सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है सरकार ने कोएर्सिव मेथड्स अपनाए, सरकार ने, और इसी इसी टाइम पे इनकी एक लड़की हुई थी, आपको पता होना चाहिए, मीसा, ये मीसा एक्ट था उस टाइम पे, इमरजेंसी वाला तो मीसा एक्ट था, उसी के नाम पे अपनी लड़की का नाम रख दिया मीसा, मीसा यादव। तो मीसा एक्चुअली लॉ है। सो बहरहाल ये हम लोग को देखने को आ रहा है, ये हम लोग को क्या देखने को आ रहा है कि कोएर्सिव मेथड्स थे, कोएर्सिव कोएर्सिव मतलब दंडात्मक, कोएर्सिव मेथड्स थे। तो सरकार को समझ में आ गया कि ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको अगले साल सेंसस के उसमें आंकड़ा आया ना, उनको पता चल गया कि भाई ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो ड्रास्टिकली बढ़ गई है, तो ये क्या मतलब, हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से। तो ये उनको एहसास हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि भैया ये जो जबरदस्ती कराया जा रहा है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ, विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन 1981 टू 2011। इसमें क्या है, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अब
हाई ग्रोथ तो है, ठीक है, बर्थ रेट हाई है, हम जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इतना हाई रेट अब नहीं है, खासकर खासकर आफ्टर 2001, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में लिटरेसी लेवल अप हो गया है अपनी कंट्री का, लिटरेसी लेवल भी अप हो गया अपनी कंट्री का, राइट। सो ज्यादा लोग अब शहरों में निवास करने लगे हैं, तो अब लोगों को पता है फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट पता है, तो हमें देखने को मिलता है कि बर्थ रेट है, ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, डेथ रेट भी कम है। तो ऑफिशियली भारत ने सन 2001 में थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में एंट्री मार ली, थर्ड स्टेज में 2001 में, ठीक। नाउ वी आर आउट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, नाउ वी आर आउट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। ऑल्सो इंडिया हैज अचीव्ड, इंडिया हैज अचीव्ड TFR ऑफ 2.2, ये 2019 का सैंपल सर्वे में बोला है, SRS बोलते हैं, सैंपल सर्वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, जो जनसंख्या है उसको नापने के कई तरीके होते हैं, कई मेजर होते हैं, सेंसस 10 सालों में होता है, लेकिन सैंपल सर्वे ऑफ रजिस्ट्रेशन SRS का जो डेटा आता है वो हर साल आता रहता है। आप लोग करंट अफेयर मैगजीन वगैरह में भी पढ़ते रहते होंगे, इनका डेटा हर साल आता रहता है। तो भारत ने 2.2 TFR अचीव कर लिया, ठीक। सो अब क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, जितनी बातें अभी पढ़ी हैं उसको एक ग्राफ में उतारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ टाइम, टाइम 1901 से 1921, यहाँ 1901 से शुरू करेंगे, 1921, फिर 1951, फिर 1981, देन 2011, ये देखते हैं कुछ बातें। लीना, आप हो क्लास में? ओके, लेट हो गया आई थिंक। चलिए, अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। तो जितना हम लोग ने पढ़ा है उसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन पहले बढ़ाते हैं, अरे ठीक है डोंट बी सॉरी, पॉपुलेशन हल्की सी यहाँ पे बढ़ाएंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। फिर हमने देखा था 1921 में तो कम हो गई थी, 1921 में कम हो गई थी पॉपुलेशन, फिर धीरे 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 अपनी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, ऐसे आगे जाके यूं कर देना है, छोड़ देना है। सो दिस इज फेज वन, दिस इज फेज टू, दिस इज फेज थ्री, दिस इज फेज फोर। पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नेक्स्ट पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, ये पीरियड फोर। यहाँ पे 1921 को लिख दीजिए डेमोग्राफिक डिवाइड, डेमोग्राफिक डिवाइड। ये है आपका इंडिया का कर्व, बना लेना तो बता देना।
तो दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन, दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन, ये है हमारा टेम्पोरल वेरिएशन। राइट, दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन, समय के साथ वेरिएशन। ओके डन, ठीक है। सो टेम्पोरल वेरिएशन हो गया अपना, अब आएगा स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन, स्पेशियल वेरिएशन मतलब स्पेस के साथ वेरिएशन। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड। आप लोगों को खुद पता होगा जो साउथ के स्टेट्स हैं, जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है, और जो नॉर्थ के हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो स्पेस के साथ हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं। अभी मैं इसी में और बातें लिखाऊंगा। दूसरी बात, अर्बन और रूरल डिवाइड देखने को हमें मिलता है, अर्बन और रूरल डिवाइड। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर बात करी जाए तो रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है, लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन अगर आप काउंटर करोगे तो माइग्रेशन की वजह से अर्बन एरियाज पॉपुलेटेड हो जाते हैं। फिर तीसरा है स्मॉल वर्सेस स्मॉल एंड बिग स्टेट्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो छोटे राज्य हैं उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, क्योंकि बेस जो लिया जाता है ना पर पॉपुलेशन लिया जाता है। इस चीज को समझिए सब लोग, स्मॉल और बिग स्टेट्स, जैसे दादरा नागर हवेली है, नागालैंड है, ये सब जो एरिया है वो छोटे हैं, तो इनका जब ग्रोथ रेट लिया जाता है तो वो ज्यादा निकल के आता है। ठीक, तो स्पेशियल वेरिएशन में हम ये तीन चीजें पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें सबको एग्जाम्पल जानने, डेटा है कुछ वो आपके सामने है, आपको समझ में आ जाएगा स्पेशियल वेरिएशन। तो ये इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड, इसमें देखते हैं कि क्या है नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड। इसमें अगर बात करी जाए, इसमें अगर बात करी जाए तो आप लोग अलग से लिखना, मैं इसी के सामने लिख के दे रहा हूं। सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, लेस ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली लेसर ग्रोथ रेट। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राइट, केरला, केरला। सो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है काफी, और कई स्टेट्स तो हैं साउथ के जो कि जिनका जो टीएफआर है वो 2.1 के भी नीचे जा चुका है, जिनका जो टीएफआर है वो 2.1 के नीचे भी जा चुका है। ठीक है, इसके बाद ये रीजन अगर आप लोग से मैं पूछूं क्या रीजन हो सकते हैं यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम है, इंक्रीज एजुकेशनल लेवल, एग्जैक्टली लिटरेसी लेवल, बेटर स्टेटस ऑफ वेमेन, बेटर स्टेटस ऑफ वेमेन, राइट, ये भी सही बात है बिल्कुल। लिटरेसी लेवल सब लिख सकते हो आप लोग, लिटरेसी लेवल सदर्न स्टेट्स का ग्रोथ रेट कम है। वहीं नॉर्दर्न स्टेट्स की अगर बात करी जाए, नॉर्दर्न स्टेट्स बिहार, बिहार यूपी, बिहार यूपी, अभी मैं सबका अभी बुक से आपको टैली करा दूंगा, दिखा दूंगा इन सबके ग्रोथ रेट क्या है, तो आप लोग अप्रिशिएट कर पाओगे कि ये जो डेटा है वो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। सो बिहार यूपी, इनका जो ग्रोथ रेट है वो अपने देश के ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है। इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया का अगर मैं आप लोग को डिकेडल ग्रोथ रेट बताऊं, अभी शायद मैंने पहले बताया भी था, 17.64 आई थिंक बताया होगा स्टार्टिंग में,
दिस वन 17.64, राइट 17.64। तो इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट है 17.64%, यूपी का अराउंड 20%, 20.22% है, बिहार का 23% के अराउंड है। तो देख लीजिए इंडिया के एवरेज से कितना ज्यादा है। मैं अगर इन स्टेट्स की बात करी जाए, इनका लेस देन 15 है, किसी का 11 है, किसी का लेस देन 5 है। तो अभी हम किताब में दिखाएंगे तो आप लोग तब समझना। तो ये नॉर्दर्न स्टेट्स में इतना ज्यादा हाई ग्रोथ रेट क्यों देखने को मिलता है? पावर्टी है यहाँ पे, पावर्टी है यहीं पे आपका, लेसर राइट्स फॉर वुमेन, या फिर अगर मैं बोल दूं वुमेन एक्सक्लूजन तो गलत नहीं होगा, वुमेन एक्सक्लूजन। इसके बाद पैट्रियार्की या पैट्रियार्कल माइंड सेट। ठीक, इसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इलिटरेसी, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक, लेकिन आज के टाइम पे अगर बात करी जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग, आर आल्सो रिकॉर्डिंग कंसिस्टेंट फॉल इन देयर ग्रोथ रेट। तो ये भी अब अच्छा कर रहे हैं, इनका भी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, राइट। आज के टाइम पे अगर बात करी जाए तो ये भी अब इनका कम हो रहा है ग्रोथ रेट। अर्बन एंड रूरल, इसका लिखना चाहो तो अर्बन सेंटर्स हैव हाई ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। शब्द इस्तेमाल करेंगे हम लोग इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब होता है इनकमिंग ऑफ माइग्रेशन, नॉट बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी अलोन। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम लोग अर्बन का ज्यादा कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लोगों का आना बहुत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु मेट्रो सिटीज, पुणे, बिल्कुल एसेट्रा, बिल्कुल। नॉट बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी अलोन, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन ऑल्सो। ठीक है, और स्मॉल एंड बिग स्टेट्स, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूं तब ये मैं समझाता हूँ। पहले ये बताओ, ओके, सबने आई थिंक लिख लिया होगा। अब ऐसा है बुक ओपन करिए, कुल्लर मेरी बुक में है पेज नंबर 317, पॉपुलेशन वाला चैप्टर देखो, पॉपुलेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके में पेज नंबर क्या है, नई वाली में देख लो, मेरे में चैप्टर नंबर टेन पेज नंबर 317। ओके, चैप्टर 10 सेम है, ओके, पेज नंबर 317। नई वाली किताब में क्या है पेज नंबर, चलो ठीक है, मार्क करा रहे हम, लिखिए, देखिए सब लोग, स्टार्टिंग का पैरा विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन, ये मैंने लिखा है, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री नेक्स्ट टू चाइना। उसके बाद इंडिया कवर्स ओनली 2.4% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट होम ऑफ अबाउट 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट टेबल 10.1 देखिए, टेबल 10.1 जो बनी हुई है,
नंबर वन पे इंडिया, देन चाइना। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन देखिए 19.4% चाइना में, इंडिया में 17.5%। पाकिस्तान और बांग्लादेश देखिए जरा 2.7 और 2.4% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसी को तो जोड़ के हम लोग ने अराउंड 23% बोला था, याद है ना, साउथ एशिया का जो हमने नोट्स लिखाए थे आपको, याद आ रहा है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को ही तो जोड़ के हम लोग ने वहां पे उसको 20-23% अराउंड कह दिया था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन यही निवास करती है साउथ एशिया में। अरे मिल रहा है सबको? हाँ ठीक ठीक। इसके बाद पेज नंबर 319 पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901, पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901। चैप्टर नंबर 10 है। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901, ओके ऐसा है, ओके। इसमें देखिए जो हम लोग ने पढ़ा नहीं अभी, जो फेजेस हैं वही लिखे हैं ना, फेजेस, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, स्टडी ग्रोथ, रैपिड हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पे पढ़ना चाहो आप लोग पढ़ लेना। पहला जो पॉइंट है, जैसे पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन जो उसमें लिखा हुआ है, उस पर्टिकुलर पैरा में देखिए, वो डेमोग्राफिक डिवाइड जो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिक्लाइन इन प्लेस ऑफ राइज इन पॉपुलेशन दैट ईयर 1921 इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड। इसी के ऊपर देखोगे तो लिखा है 1921 रजिस्टर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.31%, राइट, ये हो गया। उसके बाद नीचे देखोगे डेमोग्राफिक डिवाइड जो बोल्ड में लिखा हुआ, उसके नीचे देखोगे तो डेथ क्यों हो रही है, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, फूड शॉर्टेज, उसके बाद इन एडिशन 1000 ऑफ इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ, राइट। तो ये यही सब आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखा है। यहीं पे स्पैनिश फ्लू लिख लो, सुनो, यहीं पे पेंसिल या पेन से स्पैनिश फ्लू लिख लो, ये भी कारण है, स्पैनिश फ्लू। पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ सेकेंड वाला। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 320। उसमें पहला जो लाइन है, मॉर्टेलिटी रेट स्टार्टेड शोइंग डाउनवर्ड ट्रेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ एंड सैनिटेशन कंडीशन आफ्टर 1921, राइट। इसके बाद पेज 321 लास्ट, मतलब जो थर्ड पॉइंट है, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, उसके ऊपर वाली जो लाइन है, मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ मिला, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, मॉर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। यही हमने आपको वहां पे समझाया था किस तरीके जो सेकेंड फेज है वो मॉर्टेलिटी काफी कम हुई उस टाइम पे इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस फेज। इसके बाद थर्ड पॉइंट, पीरियड ऑफ रैपिड हाई ग्रोथ, तो पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल्ड में लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस पीरियड को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहली लाइन है, आफ्टर 1951 देयर वाज अ स्टीप फॉल इन द मॉर्टेलिटी रेट बट द फर्टिलिटी रिमेन्स स्टबर्नली हाई, स्टबर्नली हाई, फर्टिलिटी रेट रिमेन्स स्टबर्नली हाई, ये हो गया। नेक्स्ट आइए पेज 322, नेक्स्ट पन्ना जो उसका है, तो उसी पॉइंट का लास्ट जो पैरा है, लाइन लिखी है, दिस सिचुएशन रिजल्टेड इन हाई नेचुरल इंक्रीज, दस इट वॉज फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, फर्टिलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, राइट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, ये इसमें फिर अलग अलग से कंपेयर किया गया है कि अभी भी हाई है चाइना, यूएस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया से, बट स्टिल हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। इतना ये हो गया। अब पेज 325 पे आइए, जहां पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, पॉपुलेशन परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ एंड एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, जहां पे इंडिया स्टेट यूनियन टेरिटरी दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ है। मिल गया सबको टेबल 10.4?
325 ऑल गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जरा सब लोग देखिए, इंडिया इंडिया का एवरेज मतलब डिकेडल ग्रोथ रेट देखें तो 17.64 इंडिया का अगर हम लोग डिकेडल ग्रोथ रेट देखें, यही लिखा है हमने आप लोग को। अब जरा शुरू करिए देखना, जरा आप लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देखो, 20% है डिकेडल ग्रोथ रेट, 20% तो इंडिया से ज्यादा है ना, इंडिया से ज्यादा है। और कौन कौन से राज्य हैं जिनका इंडिया से ज्यादा है, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, बिहार का तो 25% है ठीक। फिर छत्तीसगढ़ देखिए 22 पे, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, देन साउथ के देखो, साउथ के 28 पे आंध्र प्रदेश, देखिए उसका 11%, कर्नाटक 15.6%, तमिलनाडु 15.6%, केरला का देखिए 4.86%, इट इज इवन लेस देन 5%, बहुत जबरदस्त चीज, यही तो मैंने बोला था आप लोग को, इट इज इवन लेस देन 5%, इट इज इवन लेस देन 5%, इसको नोट्स में लिख लीजिए, केरला का डिकेडल ग्रोथ रेट इट इज इवन लेस देन 5%, सॉरी ये इस तरह, इसको नोट कर लीजिए। और बिहार और यूपी का लिखा दिया था, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आप लोग को जैसा भी मॉडिफाई करने नोट्स कर लेना। तो ये एक, ये किस तरीके का वेरिएशन है, स्पेशल वेरिएशन सदर्न नॉर्दर्न स्टेट्स का, ठीक है। चलिए अब आइए, ठीक है, और हाँ स्मॉल और बिग स्टेट का जो मैंने बताया था इसी में देख सकते हो, स्मॉल और बिग स्टेट। जरा कोई भी आप स्मॉल स्टेट पकड़ लो, उसका देखो, जैसे पुडुचेरी 34 वाला पुडुचेरी 27.72%, देखो इसका हाई है कितना। फिर 30 पे गोवा देखो, गोवा 8.1% उसकी हिसाब से सही है गोवा। जरा 25 पे दमन एंड दीव देखिए, 53.54%, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, अब तो ये एक हो गया है, अब तो ये एक हो गया, बट स्टिल इट इज मोर देन 50%, इट इज मोर देन 50%, तो कितना है, छोटा सा है, तो इसलिए इसका जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ये पर पॉपुलेशन निकाला जाता है, तो अपने आप हाई हो जाएगा। ऐसे ही हिली स्टेट्स के अगर आप लोग देखोगे तो वो हाई है, वो हाई होते हैं। सो सिक्किम, सिक्किम का कितना है 12.36%, हाँ हाँ, इससे अरुणाचल प्रदेश देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश 25.92%, ठीक है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसको जहां पे भी आए वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन का सीन रहा, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन का सीन रहा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी से एक टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक रीजंस फॉर हाई ग्रोथ रेट इन इंडिया, रीजंस फॉर हाई ग्रोथ रेट इन इंडिया, ये कुछ पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। सो पैट्रियार्की, पैट्रियार्की, फिर lack of women rights, lack of women rights, आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ये मेरी तरफ से पॉइंट है। फिर है desire for a boy child, इसके चलते भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, एक बार ट्राई किया लड़की हो गई, फिर सोचा चलो अगली बार बॉय आएगा, फिर ट्राई किया फिर लड़की हो गई, ऐसे चेन चलती जाती है, ये आई होप आप लोग समझ रहे होगे। इसी को इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था मेटा प्रेफरेंस,
मेटा प्रेफरेंस फॉर सन, मेटा प्रेफरेंस फॉर सन इकोनॉमिक सर्वे की शब्दावली, फिर lack of awareness मतलब family planning की contraceptives use की जानकारी नहीं है कुछ, contraceptive usage की। इसके बाद lack of medical amenities, फिर ये अगर contraceptive usage की बात करी जाए तो इसी में एक शब्द यूज होता है कपल प्रोटेक्शन रेशियो, लिख लो कपल प्रोटेक्शन रेशियो, आगे जाके हम कुछ बताएंगे इस पे। फिर एक और जो बात बोली जाती, लार्ज पॉपुलेशन बेस इन रिप्रोडक्टिव एज में बहुत लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, रिप्रोडक्टिव एज में, और इट इज अराउंड 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ये आप लोग को ये समझ में आ रहा है ये इसका मतलब क्या? हम लोग ने कल वो पढ़ा है ना एज सेक्स पिरामिड पढ़ा है ना हम लोग ने, तो ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उस पर भारत की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो भाई जाहिर सी बात है रिप्रोड्यूस करेंगे आगे जाके बच्चे होंगे, तो यही ग्रोथ रेट पड़ा एक कारण है। ठीक, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसी में आप लोग नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बुक में भी है, बुक से भी पढ़ सकते हो, 2000 पढ़ लीजिएगा और उसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा ना करना, शॉर्ट ही रखना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बुक में है, मिल जाएगा, नेट से पढ़ सकते हो, जहां से भी पढ़ना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज ले लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा और ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितना पढ़ाया उसे रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतना नहीं तो डेली बेसिस पे आपको सामने आता रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू आप सभी का आने के लिए, चला जाए, बाय बाय।